पाकर नंदी आदि शिवगण नक्षत्र लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। नारद का कथन सुनकर कृतिकाएं चकित हो जाती हैं। माताओं और पुत्र का प्रेम देखकर नंदी भाव विभोर हो जाते हैं। तारकासुर की आज्ञा से दैत्यवीर कार्तिकेय का वध करने के लिए कृतिका लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। शिव कृपा से कार्तिकेय की रक्षा होती है, जिससे कृतिका माताएं कार्तिकेय को कैलाश भेजने की प्रेरणा प्राप्त करती हैं। श्री महागणेश की आज्ञा को स्वीकार कर नारद ने निश्चय कर लिया कि वे अपने कार्यों से अब किसी नए घटनाक्रम को जन्म नहीं देंगे और शांत रहकर कुमार कार्तिकेय की शोभा यात्रा के दर्शन करेंगे। नारायण नारायण, शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय की जय। हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है शिवगणों। शिव पुत्र हमें दे दो, हम तुम्हें जीवन दान देंगे। हमें जीवन दान देने वाले महामूर्ख, तनिक तू अपने जीवन की चिंता कर। इस पालकी में ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तेरा काल शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय तुझे दिखता नहीं। क्या समय से पूर्व अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है तारकासुर, जा लौट जा। ऐसे नीरस स्थान पर मैं ठहरने का भी इच्छुक नहीं। शिव पुत्र हमें दे दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। असंभव। वो अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है। स्वयंभू तारकासुर का क्रोध तुझे क्षण मात्र में भस्म कर देगा। परम देव श्री महागणेश भगवान भोलेनाथ के हाथों बार बार प्रताड़ित और अपमानित होने के बाद भी तुझे लज्जा नहीं आती? स्वयंभू, यदि तू अपना अपमान कराने का इच्छुक नहीं है तो जा लौट जा। जय श्री महागणेश। देखते क्या हो असुर वीरो, इन मूल बुद्धि शिव गणों से शिव पुत्र को छीन लो। नंदी महाराज, आप इसी समय कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश जाएं। भोलेश्वर शिव और माता पार्वती व्यग्रता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा परम देव श्री महागणेश। श्री महागणेश तथा कुमार कार्तिकेय की जय। परम देव श्री महागणेश तथा कुमार कार्तिकेय की जय। परम देव श्री महागणेश कुमार कार्तिकेय की जय। नारायण नारायण, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के कैलाश सुरक्षित पहुंचने की सूचना सबसे पहले मुझे देवराज इंद्र को सुनानी होगी। नारायण नारायण, न तो शिवपुत्र जन्म लेगा न ही तारकासुर का अंत होगा। हम यूं ही वन वन भटकते रहेंगे। स्वामी धैर्य रखें। स्वामी, परम देव श्री महागणेश की कृपा से
तारकासुर का अंत अवश्य होगा। नहीं देवी सची नहीं, तारकासुर का अंत अब नहीं होगा और ना ही शिव पुत्र जन्म लेगा। शिव तो असुरों के आराध्य हैं और वे कभी भी असुरों के सर्वनाश की भूमिका के सूत्रधार नहीं बनेंगे। देवराज, आप अपने स्वार्थ के लिए देवादिदेव महादेव शिव पर आरोप लगा रहे हैं। मर्यादा को लांघने का दुस्साहस न करें अग्निदेव, और ये न भूलें कि इस समय आप इंद्र के सम्मुख खड़े हैं। नहीं देवराज, अग्नि कभी भी अपना कर्तव्य नहीं भूलती, किंतु हर एक को भयभीत करने के लिए अपने ताप का अनुभव अवश्य करवाती है। ताप तो अग्नि का स्वभाव है देवराज, किंतु किसी भी परिस्थिति में अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलती। हम भी अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। ताप तो अग्नि का स्वभाव है देवराज, किंतु किसी भी परिस्थिति में अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलती। हम भी अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। जान सकता हूँ कि देवादिदेव महादेव शिव को असुरों का हितैषी बताते समय आपने अपने किस स्वभाव का परिचय दिया था? अग्निदेव, आप उत्तेजित न हो देवराज। आप अपनी मर्यादा की सीमाएं लांघते रहे और हम उत्तेजित भी न हो, ऐसा प्रतीत होता है अग्निदेव कि आपको देवराज इंद्र से बात करने की शिक्षा पुनः प्राप्त करनी होगी। देवराज, आप मेरे धैर्य की अनुचित परीक्षा ले रहे हैं। अग्नि एक आज्ञाकारी सेवक किंतु क्रूर शासक होती है। आप मुझे क्रूरता के लिए विवश ना करें। भगवान शिव पर आरोप लगाकर मर्यादाओं की सीमा को लांघने का दुस्साहस तो आपने किया है। अग्निदेव, इंद्र का क्रोध संसार से अग्नि का अस्तित्व नष्ट कर देगा। देखता हूँ तुम्हारी रक्षा करने यहाँ कौन आता है। स्वामी शांत हो जाइए, स्वामी शांत हो जाइए। ये समय आपसी वाद विवाद का नहीं है। हम एकता और एकजुटता से दुष्ट तारकासुर को पराजित कर सकते हैं। तुम बीच में ना पड़ो महारानी। देवराज इंद्र का अपमान करने वाले इस अग्नि को मेरे भयानक क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। और रही बात तारकासुर की, उसे तो हम अपने पराक्रम से परास्त कर देंगे। देवता अब दैत्यों के आराध्य शिव के आश्रित नहीं रह सकते। स्वामी, चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। शिव पुत्र का प्रलोभन दिखाकर शिव हमारे साथ छल कर रहे हैं, किंतु इसका परिणाम उनके हित में ना होगा। अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखें देवराज, अब मैं शिव निंदा का एक भी शब्द नहीं सुन सकता। हाँ, हाँ, एक शब्द भी नहीं सुन सकते। अग्निदेव। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। शांत हो जाओ देवगण, शांत हो जाओ। देवगण, आज आपको इस प्रकार द्वंद करते देख सदा प्रसन्नचित रहने वाले नारद का मन भी खिन्न हो गया। तनिक लज्जा का अनुभव करें देवराज। आप अपने अहंकार के वशीभूत होकर देवादिदेव महादेव पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। नारायण नारायण। देवराज, यदि आप इतने ही सत्यवचनी होते तो आज तारकासुर के कारण आपको ये भयानक दुर्दशा के दिन नहीं देखने पड़ते। देवर्षि। देवराज, आपने अपने माता पिता से कुछ तो शिक्षा संस्कार प्राप्त किए होते। आपने देवादिदेव महादेव पर आरोप लगाकर कैलाश पर जाने का अधिकार खो दिया। नारायण नारायण। देवताओं के संकट के अंत की मैं जो शुभ सूचना लेकर यहाँ आया था, ऐसा प्रतीत होता है कि उससे भी देवताओं का कुछ भला नहीं होगा। संकट की इस घड़ी में हमें आपका ही आश्रय है देवर्षि। देवर्षि, आपकी उपस्थिति सदा कल्याण और मंगल की प्रतीक मानी जाती है। कृपया बताएं, देवताओं के संकटों के अंत का आप क्या संकेत कर रहे थे? देवर्षि, देवराज इंद्र की उत्तेजना को अन्यथा ना ले। वास्तव में तारकासुर के भयानक अत्याचारों ने हम सबको भ्रमित कर दिया है। हमें क्षमा करें देवर्षि, हमें क्षमा करें। स्वर्ग संकट के अंत का उपाय बताएं। देवर्षि, जब तक आप हमें और देवराज को क्षमा नहीं करेंगे, हम आपके चरण इसी प्रकार पकड़े रहेंगे। नारायण नारायण।
नारायण। देवराज, हमारे क्षमा करने के पश्चात भी आप कैलाश लोक में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। भगवान शिव का अपमान करने के कारण अब आप किसी भी दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्वामी, अपनी उत्तेजना की क्षमा याचना करें। मुझे क्षमा करें देवर्षि। नारायण नारायण, देवराज आप क्यों समझ नहीं रहे हैं? हमारे क्षमा करने के पश्चात भी आप अपने भयंकर पापों से मुक्त नहीं हो सकते। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। आप हमारा मार्गदर्शन करें देवर्षि। नारायण नारायण, हाँ एक उपाय है। देवराज, यदि आप अपने पिता ऋषि कश्यप के आश्रम में जाकर निरंतर शिव आराधना करें तो आपको अपने इस भयंकर पाप से मुक्ति मिल सकती है। नारायण नारायण। और देवगण, आप मेरे साथ आएं और कैलाश लोक चलें। कैलाश? कैलाश क्यों देवर्षि? नारायण नारायण, श्री महागणेश की लीला और देवाधिदेव महादेव की कृपा से तारकासुर का अंत करने वाला शिवपुत्र कुमार कार्तिकी अपनी आयु के 10 गुप्त वर्ष कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में बिताकर खुशी क्षणों में नंदी एवं शिव गणों के साथ कैलाश लोक पहुंचने वाला है। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। नारायण नारायण। देवादि देव महादेव का अपमान करने के कारण देवराज इंद्र तो कैलाश जा नहीं सकते, अतः आप देवगण मेरे साथ कैलाश लोक चलकर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती से तारकासुर की दुष्टता के अंत की प्रार्थना करें। मेरे लिए क्या आज्ञा है देवर्षि? देवी शची, पति का कोई भी कार्य पत्नी के सहयोग के बिना अपूर्ण रहता है, अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी देवराज इंद्र के साथ जाकर भगवान भोलेनाथ की निरंतर आराधना करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नारायण नारायण। स्वामी, जो कुछ भी हुआ उस पर शोक न करें, अपितु पश्चाताप भाव से शीघ्र ही पिताश्री के आश्रम में चलकर भोलेनाथ को प्रसन्न करें। वो भोलेनाथ हैं, हमारे अपराधों को अवश्य शीघ्र ही क्षमा कर देंगे। आप सत्य कह रही हैं महारानी। चलें, अब विलंब करना अनुचित होगा। ॐ नमः शिवाय। श्री गणेश, श्री प्रश्न जय या पराजय का नहीं है, प्रश्न नैतिकता का है। यदि तुम देवता और देवराज होकर नैतिकता का आचरण नहीं करोगे तो तुम में और असुरों में अंतर ही क्या रह जाएगा? क्षमा पिताश्री, अपनी उत्तेजना का मुझे घोर पश्चाताप है। क्षमा मुझसे नहीं, भोलेनाथ से मांगो। तुमने उनके प्रति घोर अपराध किया है पुत्र। अवश्य पिताश्री। पुत्र, कश्यप आश्रम के इस क्षेत्र में तुम्हारी विमाता दिति कभी नहीं आती। तुम निरंतर यहीं पर शिव आराधना करके महादेव शिव शंकर को प्रसन्न करो। वे आशुतोष हैं, तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। पुत्र, अपना मन शिव भक्ति में पूर्णतया समर्पित कर दो। महेश्वर की कृपा से तुम्हारे समस्त कष्टों का अंत हो जाएगा। अवश्य पिताश्री। पुत्र वधु शची, आज्ञा माताश्री। इंद्र में धैर्य की कमी है, किंतु तुम एक क्षण के लिए भी इसे भ्रमित ना होने देना।
जो आज्ञा माता श्री। अब तुम दोनों देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए शिव आराधना का प्रारंभ करो। आओ। वर्षों के पश्चात देखने को मिला। संभवतः नियंता ने मेरे विषय में ऐसी ही नियति निश्चित की है, इस कारण आप स्वयं को दोषी न ठहराएं माता। कार्तिकेय, मेरे पुत्र, के निस्वार्थ प्रेम के सम्मुख पिता का प्रेम तो मात्र दिखावा है। क्या आप अपने पुत्र से मेरा परिचय नहीं करवाएंगे? पुत्र कार्तिकेय, ये तुम्हारे पिता हैं, देवाधिदेव महादेव, इन्हें प्रणाम करो पुत्र। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती तथा कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कुमार कार्तिकेय की जय। श्री गणेश, श्री गणेश।
माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ निवेदन करें। अवश्य नंदी महाराज, तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने माँ को अपने पुत्र से मिलवाकर महान उपकार किया है। तुम्हारे इस ऋण को मैं कोई भी मूल्य देकर नहीं चुका पाऊंगी। नहीं नहीं माता, आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म कर्तव्य है। कहिए नंदीश्वर, क्या कहने के इच्छुक थे आप? माता, जिन 6 माताओं ने कुमार कार्तिकेय का पालन पोषण किया है, उनकी भावनाओं को आहत करके हम कुमार को यहाँ तक ला पाए हैं। कुमार के प्रति उनके प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। माता, कृपा करके उन्हें आश्वस्त करें और समय समय पर उन्हें कुमार से मिलने की आज्ञा प्रदान करें। उन कृतिका माताओं का उपकार शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के नाम के साथ ही जुड़ा है। हम स्वयं उन्हें आश्वस्त करके कैलाश आने के लिए प्रेरित करेंगे। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और कुमार कार्तिकेय की जय। हे भोलेनाथ, इस समय सारा संसार तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित है। इस पीड़ा से मुक्ति आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं दिला सकता। देवर्षि, अब वो शुभ अवसर आ गया है। देवताओं, आज्ञा करना निधान। हम भली भांति जानते हैं स्वर्ग के सुख और ऐश्वर्य से दूर रहकर देवराज इंद्र खिन्न और विक्षुब्ध हो गए हैं। अपनी खिन्नता और उत्तेजना के कारण ही उन्होंने हम पर आरोप लगाने का दुस्साहस किया। देवराज इंद्र को क्षमा करें महेश्वर। देवराज पर क्रोध करने से पूर्व हमें सदा उनके परम भक्त माता पिता का स्मरण हो जाता है। इसी कारण इस बार भी हमने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया है, किंतु सत्य का ज्ञान कराने हेतु नारद को प्रेरित करके इंद्र पर जो बंधन लगाए वो उन्हें भविष्य में बिना सोचे विचारे उत्तेजित नहीं होने देंगे। देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। देवताओं, आप यहाँ वहाँ बिखरे देव सेना को एकत्रित करें। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु और स्वर्ग की सीमाओं से बाहर रहने वाली दिव्य शक्तियों का आह्वान करें कि वे कुमार कार्तिकेय को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान कर उसे समर्थ बनाएं। इस बीच यदि देवराज इंद्र, देवी शची हमारी भक्ति में समर्पित हो सके तो उन्हें हमारी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नारायण नारायण, जय जय शिव शंकर। हे देवादिदेव महादेव, आपकी कृपा ही कुमार कार्तिकेय को दुष्ट तारकासुर का वध करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। प्रभु, देवर्षि का कथन उचित है। आपका संकेत मात्र ही तारकासुर के अंत का कारण बनेगा। स्वामी, हम सबकी प्रार्थना पर दया दिखाते हुए कुमार को संकेत दें। सूर्यदेव, तारकासुर जैसी दुष्ट शक्तियां बार बार जन्म लेती हैं। इसी कारण देवताओं को स्वर्ग से बार बार पराजित होना पड़ता है। कुमार को दिव्य शक्ति संपन्न बनाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के रहते देवताओं को स्वर्ग से पराजित ना होना पड़े। देवादिदेव महादेव शिव शंकर की जय। माता पार्वती की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। हे दयानिधान, आपकी दया और स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आपके महान विचार सुनकर हम धन्य हो गए। आपकी जय हो भोलेश्वर, आपकी जय हो। किंतु मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ स्वामी। अर्थात? अर्थात मेरा नन्हा सा लाल विध्वंसक और भयानक शक्ति संपन्न दुष्ट तारकासुर से युद्ध कर पाएगा? देवी पार्वती, मात्र भावना और पुत्र प्रेम में तुम इतना अधिक खो गई हो कि तुम्हें अपने शक्ति स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रहा। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, क्या परम दिव्य शक्ति का पुत्र किसी दुष्ट शक्ति से पराजित हो सकता है? भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं कुमार कार्तिकेय की जय।
स्वामी। कल्याण भव, तुम्हारे एक निष्ठ पतिव्रत धर्म के पालन से मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। परम देव श्री महागणेश की असीम अनुकंपा है तुम पर। एक क्षण के लिए भी अपना ध्यान हमारे आराध्य श्री महागणेश से न हटाना। स्वामी, अपनी इच्छा से इस संसार को आकार प्रदान करने वाले श्री महागणेश के परम पावन चरणों में जीवन का हर एक क्षण समर्पित करना हर जीव का कर्तव्य है। सत्य वचन देवी अदिति, तुम्हारे सदाचार सत्कर्म और सद्विचार से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र अमरता के साथ साथ संसार में लोकहित और जन कल्याण के महान कार्य संपन्न करेंगे। स्वामी, स्वामी, मुझे भी महान पुत्रों और महान पौत्र तारकासुर की कुशलता और अमरता का आशीर्वाद दें। स्वामी, जो शुभ आशीर्वाद आप अपनी प्रिय अदिति को प्रदान कर सकते हैं उसे मुझे प्रदान करने में संकोच क्यों? क्या मेरे अधिकार आपके जीवन में अदिति के समान नहीं हैं? अधिकारों की दुहाई न दें देवी दिति। कारण जान सकती हूँ? कारण तुम भली भांति जानती हो, किंतु आपके श्रीमुख से सुनकर अपने अनुमान को परखने की इच्छुक हूँ। दिति, जो संभव नहीं है वो आशीर्वाद कैसे दूं? यदि तुम अपने धर्म का निर्वाह करती तो महान से महान और दिव्य से दिव्य आशीर्वाद तुम्हें स्वयं प्राप्त हो जाते। किस धर्म का पालन नहीं किया है मैंने? अपनी छोटी बहन अदिति से ईर्ष्या, जिससे आश्रम का हर व्यक्ति परिचित है, अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण तुम मुझे भी अपमानित करने में भयभीत नहीं होती हो दिति? किंतु आज तो मैंने आपसे विनम्र प्रार्थना की है। प्रार्थना मुझसे नहीं, परम देव श्री महागणेश से करो। यदि उनकी कृपा हुई तो मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दीदी। सत्य क्यों नहीं कहते ऋषिवर कि इस मोहिनी अदिति को प्रसन्न रखने के कारण मेरी उपेक्षा करना आपका परम पावन कर्तव्य है। आपने सदा मेरा अपमान किया है। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री होकर भी मेरे प्रति आपका व्यवहार सदा अपमानजनक रहा है। जानती हूँ क्यों? आज तक जानने की इच्छुक नहीं थी, किंतु आज अवश्य जानना चाहूंगी कि मेरी उपेक्षा का कारण क्या है। इसका कारण है तुम्हारे भीतर उफनता अहंकार का ज्वालामुखी। मेरे अदिति और सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति भयानक द्वेष, जिसका परिणाम है तुम्हारी कोई कामना कभी सफल नहीं हो सकती। उचित यही होगा, मुझसे आशीर्वाद की अपेक्षा न करो दीदी। सत्य तो ये है कि इस महान जीवन को प्राप्त करके भी मैं अभिशप्त हूँ। सब मुझसे द्वेष करते हैं। आप, अदिति और महागणेश तक का स्नेह मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया। महागणेश भी मेरा हित नहीं चाहते। आज तक उन्होंने मेरे लिए कोई भी शुभ भविष्यवाणी नहीं की। इसका कारण जानने के इच्छुक हो तुम? जिस कारण को मैं भली भांति जानती हूँ उसको जानने की इच्छा नहीं है। महागणेश मेरी विध्वंसक शक्तियों से भयभीत रहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? सत्य कह रही हूँ। महागणेश के आशीर्वाद के बिना भी जब मैं पातालवासी असुरों का आह्वान कर सकती हूँ, दैत्य माता दिति के संबोधन से सम्मानित हो सकती हूँ, तीनों लोकों के स्वामी तारकासुर की प्रेरणा बन सकती हूँ, तो यदि महागणेश का आशीर्वाद मिल गया तो क्या मैं उनकी सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दूंगी? सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। श्री महागणेश किसी का अहित नहीं चाहते। जो उनकी आराधना नहीं करता उनके लिए भी परम देव के मन में करुणा ही होती है, परंतु जो उनकी और उनके भक्तों की अकारण निंदा करता है
वो परमदेव के दंड का पात्र बन जाता है। तुम्हारे साहस को देखकर आज मेरा मन प्रसन्न हो गया। अदिति, आज तुम वास्तव में दक्ष प्रजापति की पुत्री कहलाने के योग्य बन गई हो, किंतु मेरे सर्वनाश की इच्छा करने वाली अदिति, स्पष्ट सुन ले, इस संसार को भले ही परम देव श्री महागणेश की इच्छा से हुई होगी, किंतु सर्वनाश मेरे संकेत मात्र से होगा। अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। वास्तव में तुम्हारा मुख देखना भी भयानक पाप को आमंत्रण देना होगा। शास्त्रों में लिखा है, जिस मन को मंगल मूर्ति श्री महागणेश प्रिय ना हो, उसका क्षण मात्र में त्याग कर देना चाहिए, भले ही वो निकट संबंधी ही क्यों ना हो। तू मेरा क्या त्याग करेगी दुष्टा? मेरा क्रोध आज तेरे सर्वनाश का कारण बनेगा। मेरे एक संकेत मात्र पर मेरा पौत्र वरदानी तार का सुरक्षण भर में तेरे दर दर भटक रहे इंद्र को यमलोक भेज देगा। तेरा सौभाग्य कलंकित बनकर रह जाएगा अदिति, कलंकित बनकर रह जाएगा। अभिमान और अकारण ईर्ष्या शांत रहकर सहती रही, कारण कि मैं व्यर्थ विवाद की इच्छुक नहीं थी। अपनी दीदी के प्रति असम्मान प्रस्तुत ना करने की कामना में मैंने तुम्हें सहन किया दीदी, किंतु क्या दीदी, बोल, किंतु क्या? किंतु आज मेरे आराध्य है परम देव श्री महागणेश की निंदा करके तुमने समस्त मर्यादा तोड़ दी है। अदिति, अपनी सीमाओं को लांघने का दुस्साहस ना कर, अन्यथा परिणाम तेरे हित में नहीं होगा। किस परिणाम की दुहाई दे रही हो तुम दीदी? तुम्हारे मन में ईर्ष्या की ज्वालामुखी, द्वेष के पर्वत, विद्रोह के महासागर अथवा घोर अंधकार के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और स्वामी की कृपा से मुझे ये विकार स्पर्श भी नहीं कर सकते। अदिति, मुझे उत्तेजित करने का परिणाम तू भली भांति जानती है। आज तक मैं तुम्हें सहती रही, किंतु आज शांत नहीं रहूंगी, क्योंकि आज शांत रह गई तो तुम्हारे साथ ही हम भी परम देव श्री महागणेश के दंड से अछूते नहीं रहेंगे, और उनकी निंदा करना और सुनना दोनों ही दंडनीय अपराध है। अदिति, एक शब्द भी बोले बिना चली जाओ यहाँ से, अन्यथा पति सेवा से आज तक जो पुण्य मैंने अर्जित किया है, उसी की शक्ति से मैं तुम्हें शापित कर दूंगी। चली जाओ यहाँ से। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। आप सदा मुझ पर कृपालु रहें। मुझे विश्वास है कि आप मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है देवी अदिति। अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला अधिक दोषी होता है। तुम सदा से दीति के अत्याचार सहती रही हो,
आज तुमने उसका विरोध करके उसे सत्य का ज्ञान करा दिया है देवी अदिति। स्वामी, क्या इस सत्य ज्ञान से दीदी के स्वभाव में परिवर्तन होगा? प्रश्न दीदी का होता तो अवश्य आज की घटना के पश्चात उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता, किंतु प्रश्न तो अहंकार का है। अपमानित और उपेक्षित होकर भी अहंकार सर्वनाश के बिना संतुष्ट नहीं होता है देवी अदिति। स्वामी, इस व्यर्थ वाद विवाद के कारण आज हमारी नियमित महागणेश की आराधना में कितना विलंब हो गया। भगवान भास्कर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े हैं। स्वामी, चलें हमारे साथ श्री महागणेश की आराधना आरंभ करें। धन्य हो देवी अदिति, तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारी परम देव श्री महागणेश के प्रति भक्ति। आओ। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण, जय श्री गणेशाय नमः। प्रणाम स्वर्गाधिपति तारकासुर की पितामही दीदी। मैं इस समय आपसे ही भेंट करने आया हूँ तथा आपको एक अत्यंत आवश्यक परामर्श देने आया हूँ। सावधान देवर्षि नारद, दैत्य माता दिति को देवों के ऋषि नारद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। आप सदा देवताओं के हित चिंतन में लगे रहते हैं, दैत्यों से आपको घृणा है। नारायण नारायण देवी दिति, नारद को इस संसार में किसी भी तत्व से घृणा नहीं है, न ही दैत्यों से और न ही असुरों से, क्योंकि संसार में जीव और तत्व का निर्माण परम देव श्री महागणेश की इच्छा का ही परिणाम है। हाँ, नारद को उनके दुष्कर्मों से अवश्य घृणा है। मैं जानती हूँ देवर्षि, आप मेरे महान पौत्र स्वर्गाधिपति वरदानी तारकासुर के महान कार्यों को दुष्कर्म बताने आए हैं, इसी कारण मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। नारायण नारायण देवी दीदी, यदि मैं ये कहूँ कि मैं केवल आप ही की नहीं अपितु संपूर्ण दैत्य जाति की मंगल कामना लेकर उपस्थित हुआ हूँ तो? असंभव। देवताओं की चाटुकारिता करने वाला नारद दैत्यों की मंगल कामना कर ही नहीं सकता। नारद, तुम अपनी चतुराई से हर एक को भ्रमित कर सकते हो, किंतु दैत्य माता दिति को भ्रमित करने का दुस्साहस ना करना। नारायण नारायण देवी दिति, मुझे आपके मुख से निकली हुई निंदा भी प्रिय है, क्योंकि निंदा से व्यक्ति को अपनी भूल का आभास होता है और वो व्यक्ति उसे सुधारने का प्रयास करता है। आप जितना मन चाहे मेरी निंदा करें, मैं आपकी बात का अनुचित अर्थ कदापि नहीं लगाऊंगा। माताश्री, न जाने क्यों मुझे आज देवर्षि नारद को देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि वे वास्तव में दैत्यों की मंगल कामना के साथ ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। यदि आप रुष्ट न हो तो इनकी बात सुन लीजिए। वरांगी, मुझे परामर्श देने का दुस्साहस ना कर। मैं उचित और अनुचित की परिभाषा भली भांति जानती हूँ। नारायण नारायण, दैत्य माता के संबोधन से प्रसन्न होने वाली देवी दिति, संभवतः संसार की आप पहली ऐसी माता हैं जिन्हें अपने पुत्रों की कुशलता का समाचार जानने की इच्छा नहीं है। तारकासुर की उत्तेजना का अंत होता है। कुमार कार्तिकेय के कैलाश पहुंचने का समाचार सुनकर देवगणों में प्रसन्नता छा जाती है। इंद्र को प्रताड़ित करके कश्यप ऋषि उसे शिवाराधना की आज्ञा देते हैं। माता पार्वती और पुत्र कार्तिकेय के अलौकिक मिलन से कैलाश भूमि धन्य धन्य हो जाती है। देवताओं की प्रार्थना और शिव की स्वीकृति से विवश देवी पार्वती कार्तिकेय को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा प्रदान करती हैं। नारद दिति को उसके पुत्र तारकासुर का समाचार सुनाने के लिए प्रकट होते हैं। दिति नारद को दैत्य शत्रु समझ उनके कथन को नहीं सुनती, किंतु अंत में जिज्ञासावश वे नारद को रोकने का प्रयास करती हैं। देवर्षि नारद, दैत्यों की कुशलता का कौन सा समाचार लेकर आए थे? नारायण नारायण देवी दिति, आप सोच लें, कहीं आपको दैत्यों की कुशलता का समाचार
मेरे कारण उनकी निंदा ना लगने लगे। दैत्य माता की बात को अन्यथा न ले देवर्षि, माता श्री का मन इस समय खिन्न है। नारायण नारायण, खिन्न रहना तो देवी दिति का परिचय बन गया, किंतु मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ये खिन्न क्यों है। नारद, यदि तुम मुझे इसी प्रकार अपमानित करने के लिए यहाँ आए हो तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। नारायण नारायण, देवी दिति मैं तो जा ही रहा था, अब मैं जाता हूँ तो आप जाने नहीं देती, कहता हूँ तो आप कहने नहीं देती। नारायण नारायण, देवी दिति कहीं आप संभ्रम की स्थिति में तो नहीं पहुंच गई है? संभ्रम अर्थात? संभ्रम अर्थात जीवन के अंत के निकट पहुंच जाना। नारायण नारायण। देवर्षि, माता श्री का मन इस समय खिन्न है, कृपा करके दैत्यों की कुशलता का समाचार जो आप लाए हैं वो शीघ्र कहे, उसे सुनकर निश्चित ही माता श्री का मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न होंगी अथवा दुखी इसका निर्णय तो समय ही करेगा, किंतु मैं आपकी प्रार्थना पर यह समाचार देवी दिति को अवश्य सुना देता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुने कि यह ब्रह्मदेव के वरदान का परिणाम अब शीघ्र ही सामने आने वाला है। अर्थात? अर्थात शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय कैलाश पहुंचकर देव सेना के सेनापति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। नारायण नारायण, आप आश्चर्यचकित न हो देवी दिति, कुमार कार्तिकेय को परमदेव श्री महागणेश के साथ साथ त्रिदेव त्रिदेवियों एवं संसार की समस्त महाशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। अतः यदि आपका पौत्र तारकासुर उनसे टकराएगा तो अवश्य मारा जाएगा। नहीं 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 देवर्षि, नहीं, मेरा पौत्र वरदानी तारकासुर उस बालक को अपनी विध्वंसक शक्तियों से कुचल डालेगा। नारायण नारायण, क्या आप मुझे भयभीत करने के लिए यहाँ आए हैं? देवी दिति, ये तो भविष्य में दैत्य जाति का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आपको मेरा उचित परामर्श भी अनुचित लग रहा है। यदि आप अब भी प्रयास करें तो तारकासुर के प्राणों की रक्षा एवं दैत्य जाति के गौरव की रक्षा हो सकती है। किस प्रकार देवर्षि? नारायण नारायण, यदि तारकासुर परमदेव श्री महागणेश की शरण में जाकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश से अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगे तथा स्वर्ग लोक एवं पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने निर्धारित निवास स्थान पाताल लोक को चला जाए तो अवश्य उसके प्राणों की रक्षा हो सकती है। मैं आपको यही परामर्श देने आया था। नारायण नारायण। देखिए तुमने, विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की कृपा, जो शुभ आशीर्वाद तुम मुझसे मांगने की इच्छुक थी वो देवर्षि नारद के माध्यम से परम देव ने तुम्हें भिजवा दी है। षड्यंत्र और छल के अतिरिक्त इस परामर्श में और कुछ नहीं है। वरदानी और विध्वंसक शक्तियों से संपन्न तारकासुर के भय से भयभीत देवताओं ने उस बालक की रक्षा के लिए ही उन्हें यहाँ भेजा होगा। ब्रह्म वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। दिति, यदि तुम तारकासुर के जीवन की रक्षा करना चाहती हो तो देवर्षि नारद के परामर्श के अनुसार शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय से उसकी रक्षा करो। सावधान, सावधान, स्वयंभू तारकासुर को सावधान। सावधान रहने की आवश्यकता स्वयंभू तारकासुर को नहीं, उस शिव पुत्र कार्तिकेय को है, जिसका वध करके मैं ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। तीनों लोकों के स्वामी असुर राज तारकासुर की जय, पृथ्वी सम्राट तारकासुर की जय। असुर वीरों, उस अबोध बालक को मूर्ख देवताओं ने अपना सेनापति बनाया है, जिसे अस्त्र शस्त्र भी पकड़ना नहीं आते, वो क्या टकराएगा स्वयं तारकासुर से? असुर वीरों, मैं स्वयं तारकासुर स्वयं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध करके ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध कर दूंगा।
असुर जाति की जय। असुर जाति की जय। असुर जाति की जय। माता, जिस समाचार को सुनकर आप इतनी व्यग्र हो रही हैं, वो समाचार स्वयंभू तारकासुर को प्राप्त हो चुका है। तो क्या निर्णय किया तुमने तारकासुर? निर्णय निर्णय शिव पुत्र कार्तिकेय दूध मुहा बालक है। युद्ध करना तो क्या, उसे अस्त्र शस्त्र पकड़ना भी नहीं आते। दैत्य माता, उसे मूर्ख देवताओं ने अपनी देव सेना का सेनापति बनाया है। युद्ध भूमि में वो स्वयंभू तारकासुर की भयानकता देखकर भाग खड़ा होगा। देव सेना का और अधिक अपमान न हो इसी कर युद्ध की घोषणा से पूर्व स्वयंभू तारकासुर उस अबोध बालक को कुचल डालेंगे। दैत्य माता, सावधान तारकासुर। भगवान शिव के तेज से उत्पन्न कुमार को निर्बल बालक न समझो। वो अनंत शक्ति संपन्न है और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार वो तुम्हारा काल है। इस कारण हम तुम्हें सावधान करते हैं कि शिव पुत्र से संघर्ष का विचार त्याग दो। शुक्राचार्य, तुम्हारे जैसा कायर और भीर वास्तव में दैत्य गुरु कहलाने के योग्य ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे बुद्धि पर संदेह होता है। कहीं तुम अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने के लिए दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहे? तारकासुर, अपने अभिमान में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सम्मान करना ना भूलो। ना दैत्य माता ना, ये शुक्राचार्य अपमान के ही योग्य है। ये दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु है। तनिक पूछे इनसे आप, यदि मैं उस अबोध बालक को समाप्त नहीं करूंगा तो क्या देव सेना मुझ पर आक्रमण नहीं कर गई? सर्वनाश तुम्हारे मस्तक पर मंडरा रहा है तारकासुर, किंतु तुमने दैत्य जाति को सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचाया है। इस कारण मैं तुम्हारी बात को अन्यथा नहीं लूंगा। यदि तुम देव सेना के आक्रमण से अपने जीवन की रक्षा करने के इच्छुक हो तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक छोड़कर पाताल चले जाओ। ये समय अट्टहास का नहीं है तारकासुर, अपितु गंभीरता से विचार करने का है। यदि तुम पाताल जाने के इच्छुक नहीं
तो भगवान शिव से दया की प्रार्थना करो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे जीवित रहने का अन्य कोई उपाय नहीं। दैत्य गुरु, अब तो मुझे भी दैत्यों के प्रति आपकी निष्ठा में संदेह होने लगा है। सर्वशक्ति संपन्न तारकासुर को पाताल जाने का आदेश देकर आप दैत्य जाति को कायरता का उपदेश दे रहे हैं। आप दैत्य गुरु हैं, परीक्षा की इस घड़ी में आपको तारकासुर की सहायता करनी चाहिए। बताएं दैत्य गुरु, तारकासुर शिव पुत्र को कैसे समाप्त करे? दैत्य माता, स्वयंभू को इस दैत्य शत्रु के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभू तो साबोध बालक को चुटकियों में मसल देंगे। तारकासुर, तुम्हारी रक्षा के मार्ग पर इस शुक्राचार्य को अपने अपमान की तनिक भी चिंता नहीं है। तुम्हें मेरी दिव्य दृष्टि पर विश्वास है ना? मैं अपनी उसी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि उस युद्ध में तुम कदापि विजयी नहीं हो सकते। स्वयंभू नहीं शुक्राचार्य? शिव पुत्र कार्तिकेय का आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करने वाली दिव्य शक्तियों का प्रहार तुम्हारे लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। इस कारण अब मेरा परामर्श स्वीकार करके कदापि नहीं। उस शिव पुत्र को स्वयंभू अपने खड़क के एक ही प्रहार से समाप्त कर देंगे। सकती हूँ दैत्य गुरु? अवश्य दैत्य माता। शिव कृपा से इस संसार में एकमात्र आपको मृत संजीवनी विद्या सिद्ध है। यदि इस युद्ध में तारकासुर के लिए आपकी अशुभ भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई तो आप अपनी मृत संजीवनी सिद्धि से उसे पुनः जीवित कर दीजिएगा। यह असंभव है दैत्य माता। ब्रह्मवाक्य अटल होता है और ब्रह्मवाक्य के सम्मुख संसार की कोई भी सिद्धि कार्य नहीं करती। जो सिद्धि आवश्यकता पड़ने पर कार्य ना करे उसका बोझ ढोने का क्या लाभ? जाए शुक्राचार्य, अपनी मृत संजीवनी सिद्धि को सागर के अतल तल में डुबो दें। दैत्य माता, स्वयंभू को किसी दैत्य गुरु के सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वर्गाधिपति तारकासुर प्रण करता हूँ कि मैं उस शिव पुत्र का वध करके ब्रह्मवाक्य को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा और करके ही रहूंगा। तारकासुर ठहर जाओ, जाने से पूर्व तुम्हें अपनी धर्म पत्नी श्याम्मुखी से मिलना होगा, जिसे तुमने अपनी धर्म पत्नी का गौरवपूर्ण स्थान देते हुए भी उसे समस्त सुखों से वंचित रखा और स्वयं स्वर्ग के ऐश्वर्य और विलास का भोग करते रहे। वो शीघ्र ही तुम्हारे महापराक्रमी पुत्रों की माता बनने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? हम सत्य कह रहे हैं दैत्य माता। तारकासुर तो अपने कर्तव्य से विमुख रहा, किंतु उस महान राक्षस कन्या ने अपना धर्म भली भांति निभाया है। बस 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 शुक्राचार्य, बस। मुझे आपकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। दैत्य माता के सम्मुख होने के कारण आज स्वयंभू तुम्हारे दुस्साहस को क्षमा करते हैं, किंतु भविष्य में हमें परामर्श देने की भूल ना करना, अन्यथा स्वयंभू स्वयंभू। दैत्य माता दीति, मेरे परामर्श को ठुकरा कर तारकासुर अपनी मृत्यु की ओर जा रहा है। दैत्य गुरु, अब तो मुझे भी वरदानी तारकासुर की बातों पर विश्वास होने लगा है। अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने के चक्कर में कहीं आप दैत्य जाति के विरुद्ध
षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं? नैत्य माता, इस बात का निर्णय केवल समय करेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये समय दुख और निराशा का नहीं है, प्रसन्नता का है। तू तीनों लोकों के सम्राट तारकासुर के पुत्रों की माता बनने वाली है। अश्रु मत बहा पुत्री। राक्षस वीर शाम्बुक अपनी पुत्री से आंसू बहाने का कारण तो जानिए। मैं कुछ समझा नहीं। ऐसे समय में स्त्री के समीप यदि उसका पति ना हो तो दुख के अश्रु निकल ही पड़ते हैं। मेरी बात मान पुत्री, तू अपनी पितामही दैत्य माता दिति के आश्रम में चली जा। वो असुर राज को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में विवश कर सकती है। हाँ शाम्बुकी, दैत्य माता दिति ने तेरे विवाह से पूर्व किस प्रकार वरदानी तारकासुर को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए विवश किया था, इस समय तेरा उसके समीप जाना ही उचित है। क्या आप सबको मेरा यहाँ रहना प्रिय नहीं? मैं ये भली भांति जानती हूँ कि मैं महाबली तारकासुर के तीन महापराक्रमी पुत्रों को जन्म दूंगी, उनकी माता बनूंगी। मुझे राक्षसों की देवी ने कहा है कि मेरी कोख में पल रहे मेरे पुत्रों का यश अपने पिता के समान होगा। पुत्री, हम तुम्हारे हित चिंतक हैं, तुम्हारा हमारे यहाँ रहना सबको प्रिय है, किंतु इतने तेजस्वी महान पुत्रों को जन्म देने के लिए उचित वातावरण का होना आवश्यक है, इसीलिए हम तुम्हें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। पिताश्री, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर को ही यहाँ आना होगा। मेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर को ही यहाँ आना होगा। उन्हें उनके होने वाले पुत्रों का मोह यहाँ आने के लिए विवश कर देगा। वे आएंगे, अवश्य आएंगे। स्वयंभू, आप मेरी करुण पुकार सुनकर आ गए स्वामी। मैंने कितनी लंबी प्रतीक्षा की आपके लिए, किंतु आप तो स्वर्ग के सुख में खोकर अपनी उस पत्नी को भी भूल गए जिसने कितनी लंबी तपस्या के पश्चात आपको पाया था। नहीं शाम्बुकी, हम तुम्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। वास्तव में इस समय मैं उस शैव पुत्र कार्तिकेय का वध कराने की योजना बना रहा था, जो ब्रह्मा के वरदान के अनुसार मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, मेरी मृत्यु का, स्वर्गाधिपति तारकासुर के मृत्यु का। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। नहीं स्वामी, आपको अपने होने वाले पुत्रों की शपथ। आप शिव पुत्र से युद्ध का विचार त्याग दें। शाम्बुकी,
ये तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? विवाह के पश्चात पहली रात्रि को तुमने ही मुझे शिव पुत्र को समाप्त करने के लिए असुरों का दिव्य खड़क प्रदान किया था, तुमने। क्या तुम अपने पति को महाबली, महापराक्रमी के स्थान पर कायर और भीरू का संबोधन देने के इच्छुक हो? नहीं, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं स्वामी? राक्षसों की देवी ने मुझे स्वप्न देकर सावधान किया था कि यदि तारकासुर शिव पुत्र से टकराया तो उसका अंत निश्चित है। जिस दिन मैं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध करूंगा, उस दिन ब्रह्म वाक्य के साथ साथ उस राक्षस देवी का वाक्य भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। चमकी, क्या तुम इसी प्रकार हमारे होने वाले पुत्रों को स्वप्न का भय दिखाकर कायर बनाने के इच्छुक हो? आपसे किसने कहा कि मैं आपके एक से अधिक पुत्रों की माता बनूंगी? स्वयंभू। चमकी, हम स्वर्गाधिपति तारकासुर हैं। इस संसार का कोई भी रहस्य हमारे लिए रहस्य नहीं। तुम्हारे समीप आने के पूर्व ही हमें इस बात का संकेत मिल गया था कि तुम हमारे तीन पुत्रों की माता बनने वाली हो। स्वयंभू, स्वयंभू। ये सुनकर हम प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न। स्वयंभू, मांगो अपना इच्छुक वरदान, मांगो शंभुकी, मांगो। सत्य स्वामी, मैं जो भी वरदान मांगूंगी आप मुझे देंगे? शंभुकी, हमारे वचन पर संदेह करके तुम हमारा अपमान कर रही हो। स्वर्गाधिपति तारकासुर का अपमान। मांगो अपना इच्छुक वरदान, मांगो। स्वामी, आप शिव पुत्र से युद्ध का निश्चय त्याग कर हमारे साथ असुरों की निर्धारित भूमि पाताल में चलकर रहिए। वहां हमें किसी से कोई भय नहीं रहेगा और मैं अपने पुत्रों को वहां के निर्भय वातावरण में जन्म दूंगी। स्वयंभू, हमारे पराक्रम को चुनौती देने का दुस्साहस ना करो शंभुकी, ना करो। दूध मुहा बालक शिव पुत्र कार्तिकेय तो हमारे एक ही प्रहार से यमलोक पहुंच जाएगा। किंतु स्वामी। ये किंतु परंतु का राग अलापना छोड़ो शंभुकी। यदि आज मैंने उस शिव पुत्र कार्तिकेय और देवताओं की चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो भविष्य असुर जाति को कायर और भीरू कहने में संकोच नहीं करेगा। मेरी बात समझिए स्वामी। क्या तुम अपने स्वामी को कलंकित करने के इच्छुक हो? स्वामी को कलंकित करने के इच्छुक हो? नहीं, नहीं स्वामी। चमकी, असुर जाति और स्वयंभू तारकासुर का गौरव तभी सुरक्षित रहेगा जब हम स्वयं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध अपने इन हाथों से करेंगे, इन हाथों से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो शंभुकी, कि जब तुम हमारे महान पुत्रों की माता बनो तब हमारा आह्वान करना, हम वहां उपस्थित हो जाएंगे। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। अश्रु मत बहा पुत्री,
अपने पति के आश्वासन पर विश्वास कर असुर जाति की सफलता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए ही इसका जन्म हुआ है। इस पर विश्वास कर पुत्री, विश्वास कर। क्या विश्वास करूं पिताश्री? सत्य तो ये है कि स्वर्गाधिपति तारकासुर के कारण मैं मनुष्यों की अभिशप्त परंपराओं को भोग रही हूँ। अर्थात? अर्थात मनुष्य जाति में विवाह के पश्चात स्त्री एक पुरुष की होकर रह जाती है, किंतु हम राक्षसों में ऐसी कोई परंपरा नहीं है पिताश्री। पुत्री शांभुकी, क्या तुझे एक पतिव्रत धर्म के पालन और स्वर्गाधिपति वरदानी असुरराज तारकासुर से विवाह करने का दुख है? दुख? दुख का तो प्रश्न ही नहीं उठता पिताश्री। मुझे गर्व है कि मैं स्वर्गाधिपति तीनों लोकों के स्वामी वरदानी तारकासुर की पत्नी हूँ। किंतु? किंतु क्या पुत्री? किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पति तारकासुर मेरी भावनाओं और मेरे समर्पण का आदर नहीं करते। ये तेरा भ्रम है पुत्री। असुर राज तुझे हृदय से प्रेम करते हैं, और जब तू उनके महान पुत्रों की माता बनेगी तो ये स्नेह और अधिक बढ़ जाएगा। पुत्री शांभुकी, स्वयंभू सम्राट असुर राज तारकासुर से विवाह करने का हट तुमने ही ठाना था। हम सब ने तुम्हें बार बार इस विचार को त्यागने का परामर्श भी दिया था। काका, इस समय इस बात को कहने का कारण जान सकती हूँ मैं? इस बात को कहने का कारण मात्र इतना ही है पुत्री कि तुम अपनी हट के कारण राक्षस जाति के गौरव का केंद्र बन गई हो। स्वयंभू सम्राट तारकासुर से विवाह करके तुमने हम राक्षसों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। अब अपने निर्णय पर पश्चाताप ना करो। मैं पश्चाताप नहीं कर रही हूँ काका। तुम्हारी आंखों से गिरते हुए अश्रु इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें अपने निर्णय पर पश्चाताप है। नहीं काका, नहीं, ये पश्चाताप के अश्रु नहीं है, ये तो दुख और विवशता के अश्रु है। ये दुख विवशता किस कारण पुत्री? पिताश्री, आप ये भली भांति जानते हैं कि दुष्ट देवताओं ने मेरे महान स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र का भयानक खेल रचा है। इस समय मुझे उनकी सेवा में रहकर उनकी सहायता करनी चाहिए थी, किंतु गर्भावस्था के कारण मैं उनसे स्वर्ग में जाने का निवेदन भी नहीं कर सकती थी, और पाताल में रहने की मेरी प्रार्थना को उन्होंने ठुकरा दिया। पुत्री, अपने स्वामी के प्रति तुम्हारे ये महान विचार सुनकर मेरा हृदय हर्ष और आनंद से गदगद हो उठा है। अपने विचारों के ही अनुसार तुझे तीनों लोकों के स्वामी स्वयंभू तारकासुर के समान महान पुत्रों को जन्म देना है। अपने विचारों संस्कारों से अपने उन पुत्रों को स्वयंभू सम्राट से भी अधिक पराक्रमी और महान बनाना है। आप निश्चिंत रहें पिताश्री, समय आने पर मेरे पुत्र अपने पिता की भांति ही असुर जाति का ध्वज सफलता के उच्च शिखर तक ले जाएंगे। तीनों लोकों की स्वामिनी असुर महारानी शांभुकी की जय। तीनों लोकों की स्वामिनी असुर महारानी शांभुकी की जय। Om Namah Shivaya. 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 Om Nam
शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ अपने ध्यान को विराम दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैलाशपति भगवान शिव शंकर जी। नक्षत्र लोक के कृतिकाओं का कैलाश पर स्वागत है। कहें देवियों, मैं आपका क्या शुभ करूं? शिव शंकर, हम आपके यहाँ कृपा दृष्टि प्राप्त करने की आकांक्षा से उपस्थित हुई हैं। हमारा निवेदन स्वीकार करें। हम आपकी आकांक्षा से अपरिचित नहीं हैं। हमारे पुत्र का 10 वर्ष तक कुशल लालन पालन करके आप सभी ने हमारा धन्यवाद प्राप्त करने का अधिकार पा लिया है। देवाधिदेव महादेव, आपके पुत्र कुमार कार्तिकेय ने 10 वर्षों तक हमारी मातृ कामना को तृप्त किया है। हमें शिव पुत्र की पालक माता होने का गौरव प्रदान किया है। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। आपने हम साधारण कृतिकाओं पर महान कृपा की है। परंतु प्रभु, पुत्र कुमार कार्तिकेय का वियोग हमारे लिए अत्यंत वेदनादायक सिद्ध हो रहा है। उसके बिना हमारा जीवन असंभव सा प्रतीत हो रहा है। और जब से नंदी महाराज और अन्य शिवगण कुमार को कैलाश ले आए हैं, हमारे मन की शांति छिन गई है। हम आपके मन की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। महादेव, हमारे मन की स्थिति का अनुमान लगाते हुए हमारी एक प्रार्थना स्वीकार करें। कैसी प्रार्थना? हमारे प्राण, हमारे जीवन की आस कार्तिकेय हमें लौटा दे। उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। जिस शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के लालन पालन करने का परम पावन अवसर विधि के विधान परम देव श्री महागणेश की महान कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसे अभी संसार में अनेक अलौकिक कार्य करने हैं। कुमार के अलौकिक कार्यों से इस संसार का उद्धार होगा। संसार को दुष्ट, अत्याचारी और दुष्कर्मी तारकासुर से मुक्ति प्राप्त होगी। इस कारण कुमार का नक्षत्र लोक लौटना असंभव है। हमारे कैलाश लोक से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता, परंतु तुम सबकी ये इच्छा पूर्ण करने में हम असमर्थ हैं। महादेव, हम विधि के विधान और नियंता की नियति के मध्य आने के इच्छुक नहीं हैं, किंतु अपनी बात निसंकोच कहें। हम आपकी आज्ञा मानकर इस कष्ट को सह लेंगी कि हमारा प्राण कुमार नक्षत्रलोक कभी नहीं आएगा, किंतु क्या उसके दर्शन करना भी हमारे लिए अब असंभव है? उत्तर दे महादेव, क्या हम अपने प्रिय कुमार के दर्शन भी नहीं कर सकती? कार्तिकेय अपनी माता पार्वती के साथ है। कार्तिकेय से मिलने के लिए हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, किंतु एक बार मिलने के पश्चात तुम्हारे स्नेह का ज्वार और भी अधिक उमड़ने लगेगा। नक्षत्र लोक लौटने पर वियोग भावना और अधिक दुखदायक सिद्ध होगी। इस कारण उचित यही होगा कि तुम सब बिना मिले ही लौट जाओ। कृतिकाओं, जन कल्याण, लोकहित और विश्व बंधुत्व का संकल्प लेने वाले को विश्वपान करना ही पड़ता है। हम भलीभांति जानते हैं कि कुमार से न मिलने देने का हमारा निर्णय कठोर और निष्ठुर है, जो तुम्हारे लिए विश्वपान के ही समान है। इस कारण संसार के लिए यही उचित है। महादेव, संसार के कल्याण के लिए विश्वपान करने के लिए हम संकल्प ले सकती हैं, किंतु आपके जैसा हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। हम साधारण कृतिकाएं हैं, हमारी ऐसी कठोर परीक्षा ना ले। महादेव, कुमार के वियोग में दुखी होकर कहीं ऐसा न हो कि हम आत्महत्या का निर्णय कर लें। महादेव, हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, हमें अपने द्वार से इस प्रकार निराश न लौटाएं। हमें एक बार कुमार के दर्शन करने दे भोलेनाथ,
हमें एक बार कुमार के दर्शन करने दे भोलेनाथ। हमें एक बार कुमार के दर्शन करने दे भोलेनाथ। हाँ भोलेनाथ। कृतिकाओं, तुम्हारी करुण प्रार्थना को अस्वीकार करना हमारे लिए असंभव है, किंतु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो इससे पूर्व इतना अवश्य विचार करें कि तुम्हें देखकर कुमार की दशा तुमसे भी अधिक दयनीय नहीं हो जाएगी। महादेव, हम तो साधारण कृतिकाएं हैं, किंतु वे माया मोह दोष पाप और अहंकार से मुक्त शिव पुत्र हैं। हम मोह के बंधन में तो जकड़ सकती हैं, किंतु कुमार को मोह का बंधन स्पर्श करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। नंदेश्वर। आज्ञा स्वामी। देवी पार्वती के समीप जाकर कुमार कार्तिकेय को लेकर आओ और उसे अपनी कृतिका माताओं से मिलाने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। सेनापति हो चुके हो और शीघ्र ही तुम्हारा युद्ध महाभयानक राक्षस तारकासुर से होगा। उस युद्ध में तुम्हें उस दुष्ट को परास्त करना होगा। मैं शक्ति पुत्र हूँ माता। देवाधिदेव महादेव की कृपा और शक्ति की प्रेरणा मेरे साथ है। संसार का कोई भी कार्य मेरे लिए कठिन नहीं है माता। क्या सोचने लगे कुमार? माता, मुझे तारकासुर को परास्त करके एक वचन पूर्ण करना है। कैसा वचन पुत्र? मैंने अपनी 6 कृतिका माताओं को संसार के कल्याण के लिए अस्त्र उठाने का जो वचन दिया था वह मैं तारकासुर को परास्त करके ही पूर्ण करूंगा। किंतु पुत्र, तारकासुर वरदानी और भयानक है। जानता हूँ माता, एक बार उसे नक्षत्र लोक में देख भी चुका हूँ। परम देव श्री महागणेश के प्रहार से वह कायरों की तरह भाग गया था। अब मैं आपके आशीर्वाद से उसे समाप्त करके ही रहूंगा माता। मेरा आशीर्वाद और तुम्हारा पालन करने वाली कृतिका माताओं की दिव्य युद्ध विद्या तुम्हारे साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि तुम उस युद्ध में अवश्य सफल होगे। आप जानती हैं माता, जब मैं नक्षत्र लोक में था तब मेरे पालन पोषण करने वाली मेरी कृतिका माताएं मुझे शिक्षा कैसे दिया करती थी? नहीं जानती पुत्र। आप यूं ही कह रही हो, भला इस संसार की सारी घटना शक्ति से कैसे छुपी रह सकती है? नियंता की नियति के कारण तेरे जन्म की घटना ही मुझसे छुपी रही, और यदि जानती भी होती तो तेरे मुख से सुनने के लोभ में असत्य ही कह देती। बताओ न पुत्र, कृतिका माताएं किस प्रकार तुम्हें शिक्षा देती थी? माता, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना? हाँ पुत्र। 6 दिन तो मेरी एक एक कृतिका माता के होते थे जो अपने अपने विषय की मुझे शिक्षा देती थी, और अंतिम 7वां दिन अवकाश का होता था जब मैं अपनी 6 कृतिका माताओं के साथ नक्षत्र मंडल के दर्शन करता था। तुझे अभी भी नक्षत्र लोक का स्मरण रहता है पुत्र? प्रणाम माता, मैं भोलेनाथ का संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या संदेश है स्वामी का? माता, कुमार से मिलने नक्षत्र लोक से इनका पालन करने वाली 6 कृतिका माताएं आई हैं। भगवान भोलेनाथ ने कुमार को समाधि स्थल लाने का आदेश दिया है। कहाँ है मेरी 6 कृतिका माताएं? माता, उन कृतिका माताओं का मुझसे दुख देखा नहीं जाता। कुमार के वियोग में वे अर्धमृत सी हो गई है। समर्थ ये इनसे जीवन
यही है कर्ता, यही है कारण, अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन। यही है कर्ता, यही है कारण, सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।